काली परसों से कहती कि पानी निकाले के मजाक कराओ तू यार। अरे जा पूछा ब्लकवा पे के देला सर। माइक लगावा का यार। तो अभी कौन सा काम, एक्चुअली मैं पानी निकालना समझ नहीं पाया, कौन सा काम कर रहे थे कि पानी निकाल के क्या करना है? ऐसा सर जी, वो तालाब का पानी निकालने की बात हो रही थी तुम्हारी। तो पानी निकालने का मतलब कैसे निकालना है उसको, किसी मशीन से निकालना है, किस चीज से निकालना है? मैंने मशीन से बोले कि टुल्लू था एक, लेकिन वो खराब टुल्लू था, तो बोलते उसी को बना के निकालो। अच्छा, आप ही बनाओगे, आप ही निकालोगे? हाँ, उससे करंट आ रहा था सर जी, तो हम बोले अभी टाइम नहीं है, अभी हम खुद ऊपर ब्लॉक से अस्तर से आ रहा था प्रेशर कि बार बार वो जो है आयुष्मान कार्ड के लिए, तो समझ बोले कि अभी टाइम मिलेगा तो हम कर देंगे। हाँ, अच्छा, तो उसके पहले भी कई बार अभद्र भाषा बोल के सर जी ऐसा ऐसा बोले थे, तो हम बोले चलो ठीक है जाने, तो किसी को शिकायत नहीं की। हाँ, हाँ, तो जब से हमारे हमारे पिताजी को कोविड में एक्सपायर हो गए सर जी, अच्छा, सॉरी। हाँ, तो उन्हीं का लगा के हम किए थे, जब से हमारी नियुक्ति हुई तब से सर जी वो बार बार ही पिंच कर रहे थे, और अच्छा। बीच बीच में जातिवाद भी कर रहे थे, ऐसा है वैसा है वैसा। ये जो गाली देने वाली बात है पली रॉन्ग है। अच्छा, मानदेय कितने महीने से रोका हुआ आपका? सर जी मान ने हमारा नवंबर से रोका हुआ है, नवंबर से अब तक नहीं बोलते मिला हम क्या? नहीं क्या दे बोलते बोलते हैं? हैं कि अब बोलते हैं हम मानदेय नहीं देंगे, जो करना है कर लो और दूसरे को भी रखेंगे। अच्छा, सचिव का क्या रोल है? सचिव कुछ कहता है आपको, सपोर्ट करता है कोई बात कभी? सचिव, हाँ सचिव हमारे सपोर्ट में है, तो अब बोलते सचिव जाओ प्रधान से एक बार अच्छे से फिर से बात करो। अब सर जी बार बार हम एक ही बार जाए उनके सर पे माथा पट के, माता भी जी गई थी, बोले भैया गलती हो गई, तो लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मतलब आप जाके माफी मांगो, ये कहने का मतलब है? हाँ, सचिव बोले थे कि भाई हम जो रिकॉर्डिंग था वो वीडियो सर को सुनाए थे, सर जी ऐसी ऐसी बात है, तो वीडियो सर जी ने बोला था कि ऐसा है कि चलिए हम आपको कुछ नहीं होगा, हम प्रधान जी को समझा देंगे, ऐसा गलती दोबारा ना करें। हम बोले सर जी ऐसा ऐसा बात है, तो हाँ, तो वीडियो सर तो वही बोले थे उनको, तो फिर बाद में वो भड़क गए थे। और अच्छा, मतलब आपने वीडियो से कंप्लेन की तो और भड़क गया आपके ऊपर। हाँ तो नीरज परेशान ना हो, देखता हूँ मैं आपकी जो है चीज़ें भेजता हूँ मैं भी अपने लेवल से, और फिर सजेस्ट करता हूँ मैं आपको कहाँ देना है। पहले मैं थोड़ी सी राय ले लूँ कि इस चीज़ का प्रॉपर क्या इलाज होगा। और ऐसा नहीं है किसी को गाली देना वैसे भी तो अपराध है, और अगर आप एक वो तो बात एम्प्लॉई सही हैं। है सर जी, एकदम हाँ परेशान ना तो हो, बात सही। ये छोटी सी नौकरी है, ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है आपके लिए, और लाइफ में तो अभी बहुत सारी जी ऐसी जी चीज़ें हैं जो अचीव करनी है आपको। अभी से अगर हिम्मत हार जाओगे तो फिर कैसे क्या होगा, अभी तो आगे बहुत सारे लोग नहीं सर मिलेंगे जी, तो आपको। फिर वो तो बात सही है सर जी, हाँ, लेकिन उनके उनके भाई हैं एक आर्मी वाले, वो आए हैं और तो बार बार पिंच करते हैं कि अब नहीं रखेंगे, ऐसा है वैसा है, तो अपने इधर के ये मतलब जो है उनके घर के बगल में ये मतलब पंचायत भवन है, हाँ, तो वहीं पे आते जाते रहते हैं, तो कुछ लोग से कहते हैं बोलो काम नहीं करता है, ऐसा है वैसा है, बार बार वो पिंच करते रहते हैं। और उसके पहले बुला के बताए थे कि बस खाली कोई सचिव आए थे, तो उनको उनके सामने कुछ बोलना मत बोल, बस एक ही बात बोलना कि मतलब जो कर कर रहे हो, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, कुछ मत बोलना उसके आगे, इसके लिए हम वहां पे कुछ बोल नहीं पाए। एक तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, यही है। जी सर, हाँ, तो डरो नहीं आप, ठीक है, आजकल कानून काफ़ी आगे है, और थोड़ा सा मार झगड़े से बचो, अपने आप को सेफ रखो, बाकी देखते हैं जो भी होगा आपकी पूरी हेल्प होगी। और निकाल नहीं पाएंगे ऐसे, इतना इजी नहीं है, क्योंकि रखना और निकालना उनके हाथ में नहीं है, वो शासन की मंशा है, उसने इस चीज़ को फॉलोअप दिया है, तो उसमें आप सब आए हैं। वो बात तो ठीक है सर जी, लेकिन हाँ अभी हमारे से यहाँ पंचायत भवन का चाबी भी छीन ली गई है, अब बाहर उधर ब्लॉक से रास्ता से जो भी कार आ रहे हैं, अब कार कर नहीं पा रहे हैं हम। अच्छा, तो चाबी कितना दिन हुआ छीने? चाबी सर जी अब गुरुवार को छीन लिए थे, वो उसी दिन मीटिंग करके तुरंत चाबी ले लिए अच्छा सर जी। ऐसा है कि वीडियो साहब जो थे पहले वो डीडीओ बन गए। अच्छा वो डीडीओ बन गए। कोई नहीं, आप अपने एडीओ पंचायत को एक सबमिट जी कर दो सर, लेटर, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से एक प्रूफ दे दो कि भाई हमारी पंचायत भवन की जो चाबी है वो छीन ली गई है, और हम जो है ड्यूटी नहीं कर पा रहे जी हैं, सर ठीक जी, है? एक लेटर बना के दे दो, जिससे आपने हम क्या कार्रवाई की है वो आपको संज्ञान में रहे।
ठीक सर जी, हम तो ग्रुप में तुरंत ही लेटर लिख के भेजे, दूसरे दिन गए थे चाबी मांगने के लिए तो चाबी नहीं दिए, बोलते चाबी मिलेंगे नहीं, जाओ भागो यहाँ से। नहीं ग्रुप में ठीक है, आप एक बार लिखित रूप से भी दे दो ना, वो आपके पास भी रहेगा, क्योंकि आप तो ड्यूटी करने के जी लिए सर, रेडी हो, बट आपसे इस तरह से, क्योंकि कल को हो सकता है कोई जांच करने के लिए आए और पता लगा कि पंचायत भवन बंद है, तो भी देख सकते हो भवन बंद ही नहीं है, तो आप अगर लेटर वो सबमिट कर दोगे तो कम से कम आप गवाह दे सकते हो कि भाई हम, क्योंकि आपके खिलाफ साजिश हो रही है लगातार, तो साजिश लगातार चलती रहेगी, कुछ ना कुछ करते रहेंगे वो, ठीक है। जी सर, तो हाँ अभी सर, निकाल नहीं पाएंगे, परेशान मत हो, बिना 3 लेटर दिए आपको नोटिस, उसके बाद निकालने का प्राविधान नहीं है। ऐसे 3 बार नोटिस देंगे, उसका स्पष्टीकरण आपसे मांगा जाएगा, उसके बाद मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद फिर आपको, तो वो प्रोसेस बड़ा है निकालने का, ठीक है। और मानदेय आपका जोड़ के जी देंगे, सर, नहीं देंगे तो आपके लिए कोर्ट खड़ी है, वो आपको दिलवाएगी, क्योंकि वो जो पैसा रखा हुआ है खाते में ना, वो उनका पैसा नहीं है, वो सरकार का पैसा है, वो भी पंचायतों को अनुदानित किया गया है, जिस पैसे को वो अपना समझते हैं, नहीं देंगे नहीं देंगे ना, वो उनका पैसा नहीं है। जी सर, जी हाँ वो गांव के लोगों का पैसा है, वो देश के लोगों का पैसा है, वो सरकार का पैसा है, जो कि पंचायतों को अनुदान में मिला है, वो उसे समझते हैं हमारा हक है, जी हमारे सर, खाते का पैसा है, वो उनका सेविंग अकाउंट नहीं है जो उस पर हक दिखाते हैं, वो सरकार का पैसा है। लेकिन बस गलती वह एक यही है ही कि बात ये बोलते लोग हैं, उस चीज़ पैसा को अलग ढंग से, देंगे अभी वो समझते हैं कि मेरा ही पैसा है, मैं ही दे रहा हूँ, भाई गवर्नमेंट में आपको रखा है, गवर्नमेंट आपको पेमेंट कर रही है, अपने पैसे से कर रही है, अब उनकी गलत जी सोच सर, है। हालांकि ऐसे कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो कि परेशान करते रहते हैं, परेशान एकदम मत हो, ठीक है। आप मैं भी देखता हूँ, बातचीत जी करता सर, हूँ क्या हो जी सकता है, स्पेशली मैं आपका जो है पंचायत का नाम ये सब चीज़ें भेजूंगा अपने लेवल पे, तो देखता हूँ जो भी सोल्यूशन मिलेगा मैं देता हूँ, जी बाकी सर, आप हरेश मत होइए, थोड़ा सावधान रहिए, मार झगड़े से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। बाकी सर जी नौकरी हम खुद डरे हुए तो क्या मार झगड़े करेंगे जाके उनसे, निकाल नहीं, डरना ठीक है, डरना ठीक देंगे है, जो। डरना ठीक है, लेकिन डरने का लेवल होता है ना कि आप बार बार जाके किसी से माफी मांगो, ये करो वो करो, तो वो सम्मान के खिलाफ होता है ना, तो उतना नहीं नहीं है। बात सही सर जी, लेकिन अब ढेर दिक्कत बढ़ कर रहे हैं ना, तो दिक्कत बढ़ रही है हमें, अब सबके घर पे जा जाके बोले हैं, सबके घर पे जाके शादी पेपर पे अंगूठे का और साइन ले रहे हैं, सुनने में आया हमें, अच्छा इसके लिए परेशान। शादी पेपर पे मतलब वो खाली आपके पीछे लगे हुए प्रस्ताव बनाने के लिए ना। हाँ हाँ सर, समझ रहा हूँ मैं। बहरहाल कोई भी मीटिंग होती है तो मीटिंग की फोटोग्राफ्स होती है, रिकॉर्ड होता है, सचिव आता है, कार्रवाई होती है। सब है हमारे पास सर, जो भी कार्य किए हैं सब है हमारे हाँ पास सर निकाल की जी, बात नहीं है, जैसे और आपको जो निकालने भी के लिए जो मीटिंग होगी ना, उसकी भी शेड्यूल बनेगा, उसकी भी एजेंडा बनेगा, उसकी भी कार्रवाई रजिस्टर बनेगी सब, तब जाके वो आपको, ऐसे नहीं निकालने का प्रोसेस है कि कह दिया तो निकल गए आप, हट गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नीरज नहीं परेशान मत सर, हो एकदम से आप, ठीक है, और ऐसा नहीं कि नौकरी जी यही सर, एक ही नौकरी है कि इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसे वो बहुत तो सारे बात सही है सर, अपॉर्चुनिटी है अभी आगे लाइफ में, और बस थोड़ी सी हिम्मत रखेंगे, थोड़ा दिमाग कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तो बहुत सारी नौकरी मिलने वाली है। लेकिन बहरहाल इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, आपका हक है, आप उस हक पे आए हैं, नियम और प्राविधान के तहत आए हैं, तो आपको कोई ऐसा हटाएगा नहीं। देखते हैं, हम भी बात करते हैं क्या सलूशन मिलता है, स्पेशली पंचायत के नाम जो है लेटर उटर बनेगा, कुछ व्यवस्थाएं होंगी, मैं देखता हूँ अपने लेवल से कोशिश करता हूँ, ठीक है। जी सर, आपसे बस बहुत उम्मीद है सर जी, हाँ नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करूँगा, जहाँ तक होगा मैं बात ऊपर तक पहुँचाऊँगा, और कोशिश करता हूँ कुछ पॉजिटिव मिले इस तरह से, क्योंकि वो जो गाली का शब्द दिया ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे कई बार दिमाग में बार बार आपका आया कि अच्छा जी, इस तरह से गाली देना वो अच्छी बात नहीं है किसी को, काम के लिए सिखाने के लिए डांटना है, ठीक है, चलो भाई छोटा हूँ, नया हूँ, नहीं जानता हूँ, किसी काम के लिए डांट दिया आपने, ठीक है मान लिया मैं, लेकिन गाली सब देना तो वो बस तो सही एकदम सर से जी, गलत अब है। उसमें जो जो भी बोलते हैं कार्य के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी हम करते हैं, लेकिन हम बोले भैया थोड़ा टाइम दीजिए, हम अब दूसरा काम, प्रेशर ऊपर से अगर काम नहीं करेंगे बोलेंगे काम नहीं करते, अगर काम करते हुए भी अगर हम बोले भैया थोड़ा हमें टाइम दीजिए, खाली हो जाए खुद ही कर देंगे, हम बोले भी ये भी सर जी, बराबर, हाँ आप सुने होंगे वीडियो नहीं हमने देखा बोले हैं तो, लेकिन उनको उसमें हाँ देखा वो जिस तरह से मतलब डांट रहे हैं, गाली दे रहे हैं ना, वो कोई मानवता का व्यवहार नहीं है। और अभी देख लो आपके यहाँ रोजगार ये भी सेवक बोले भी, कि हम खाली, आपके यहाँ रोजगार सेवक भी उससे कितने सम्मान से बात करते हैं लोग, उसको कोई अकड़ के बात नहीं करता हाँ है, सर जी, और वही जगह पे आप लोग भी काम कर रहे नहीं हो, नहीं इस तरह से बात कह रहे हैं, तो ये शासन को सोचना चाहिए, लेकिन अब शासन संज्ञान में नहीं ले रखने के बाद फिर कोई मैटर ही नहीं है, तो हालांकि इस पे भी जल्दी कुछ न कुछ होगा, क्योंकि कब तक लोग सहेंगे, हर चीज़ की सीमा होती है ना सहने की। जी सर, नीरज ठीक है, बस अब आगे बातचीत नहीं करते हैं, सारा मैटर क्लियर है, अब देखते हैं क्या करना है।
मैं भी कोशिश करता हूँ और लोगों से बातचीत करता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक हाँ, अपना ध्यान रखिए और परिवार का भी, जैसा होगा फिर बात करते हैं। ओके ठीक सर, ओके बाय, प्रणाम सर जी, नमस्ते।